हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। आप सभी का स्वागत है मेरा टेम्पलेट में। फ्रेंड्स, मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था कि मैं सबसे पहले मेरा कौन सा टेम्पलेट लॉन्च करूंगा, उसके ऊपर कमेंट्स भी बहुत अच्छा है और मेरे काफ़ी सारे से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ पूछा कि भैया वो आपका एप्लीकेशन कैसा होने वाला है, कौन से लैंग्वेज पे वो आप बना रहे हो, मतलब कौन से कोडिंग लैंग्वेज पे आप बना रहे हो उसे, क्या आप उसे एंड्रॉयड स्टूडियो में बना रहे हो या फिर विजुअल स्टूडियो में बना रहे हो या फिर आप कैसे बना रहे हो और उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं और जब ये लॉन्च हो रहा है तो आप उसकी क्या कॉस्ट रखने वाले हो। तो फ्रेंड्स, ये सारे सवालों के जवाब अभी भी कॉल्स आ ही रहे हैं मुझे, तो मैंने सोचा फाइनली एक बार वीडियो बना के सबको अच्छे से बता दूं, अच्छे से समझा दूं कि जो मेरा टेम्पलेट है जो मैं खुद से डिजाइन कर रहा हूं वो एक्चुअली में कैसा रहेगा, लुक कैसा रहेगा और कौन से कोडिंग लैंग्वेज पे वो जो टेम्पलेट है बन रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है एंड्रॉयड को रिप्लेस कर रहा है फ्यूशिया ओएस। ठीक है, तो फ्यूशिया ओएस आप सभी को पता है फ्लटर एसडीके यानी कि डार्ट लैंग्वेज में बना हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा फ्यूचर सोचा है कि हम लोग, क्योंकि आप सभी को पता है वो अभी से अगर आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो फ्लटर पे ऐसे बहुत सारे फ्लटर के ऊपर एप्लीकेशन बने हुए हैं जो इस टाइम प्ले स्टोर पर लाइव हैं और अच्छा रन कर रहे हैं। सो फाइनली मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि जो ये एप्लीकेशन है म्यूजिक वाला, ये फ्लूटर यानी कि आप कह लीजिए डार्ट लैंग्वेज पे पूरा बेस्ड है, उसी तरीके का हमने डिजाइनिंग भी उसी हिसाब से बनाया है। ठीक है, आप कह लीजिए अभी आप जो नॉर्मल गाना या सावन कह लीजिए या फिर जियो ट्यून्स, आप सभी पता है जियो म्यूजिक, जो इस तरह के एप्लीकेशन हैं सेम इसी तरह का एप्लीकेशन, यूआई सेम नहीं रहेगा, यूआई अलग रहेगा पर कुछ कंसेप्ट हमने सोचा है कि इनकी तरह रहेगा, पर हमारा जो कंसेप्ट है थोड़ा सा यूनिक है। अब इनका क्या है कि इनका डार्ट लैंग्वेज पे नहीं है, इनका एंड्रॉयड स्टूडियो पे है, मतलब जो नॉर्मल अभी एप्लीकेशन आप यूज करते हो इनका एप्पल के लिए अलग है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कोडिंग वो क्या रहेगा, वो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, प्लस आप लोग उस टेम्पलेट को बाय करके खुद से रेस्किन कर पाएंगे, इसके लिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन कह लीजिए या फिर कंप्लीट एक वीडियो बना दिया है जिसके मतलब जिससे आपको और सहूलियत होगी समझने में कि अगर आप मेरा टेम्पलेट खरीद रहे हो तो किस तरह से आप खुद रेस्किन करके खुद का बिजनेस कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? सॉरी अगर आप लोगों को खुद से बिजनेस करना है, लाइक अगर आप मतलब मेरी तरह बिजनेस करना चाहते हो, खुद से एप्लीकेशन डेवलपर, एक ऐप डेवलपर बनना चाहते हो, तो मैंने वो टेम्पलेट भी इस तरह से डिजाइन किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओ और खुद का एप्लीकेशन बिल्ड करो, मार्केट में भी रन करो और दूसरों के एप्लीकेशन भी खुद से बना सको। ठीक है, और उसके अंदर कुछ चेंजेस ये हैं कि लाइक अभी फ्री म्यूजिक सब सुनना चाहते हैं पर हमने कुछ कंपनियों के साथ टाइप किया है तो कुछ पेड म्यूजिक भी हमारे एप्लीकेशन पे रहेंगे। ठीक है, और उसके साथ हम बहुत कुछ नया लाने वाले हैं, अब सब कुछ वीडियो में बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। फाइनली मैं 20 तारीख को या फिर हो सकता है 21 या ज़्यादा से ज़्यादा 22 को मैं कंप्लीट एक एप्लीकेशन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग मुझे बताइए कि कैसा है उसका लुक है, कैसा डिज़ाइन है, यूआई में कुछ अगर खराबी होगी तो मुझे बता देना, मुझे समझा देना कि हम उसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ अर्निंग मैं ही करूँ, और सबसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि मेरा जो वीडियो है वो कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि भाई आपको वीडियो मोनेटाइज क्यों, आपने बोला आप यूट्यूब चैनल पे मोनेटाइज नहीं करने वाले हो। ऐसा यार, मैंने खुद से मोनेटाइज नहीं किया था, एक्चुअली मेरे एक तो स्टाफ है जिन्होंने उसे मोनेटाइज कर दिया था, ये बाद में मुझे पता चला जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े। अब आप जाके देख लीजिए मेरे सारे वीडियोस डीमोनेटाइज है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हो आप मेरे वीडियोस के ऊपर, ऐड चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, मतलब इसी से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग एक्टिव हो। ठीक है, तो फाइनली अब टॉपिक पे आता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं ही अर्निंग करूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग अर्निंग करो, मुझसे सीखो एंड्रॉयड के टेम्पलेट्स वगैरह मैं आप लोगों को बना के दूँ और आप लोग रेस्किन करके अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर कस्टमर्स को अच्छे से सर्व कर सको। ठीक है, मुझसे इसी तरह सीखते रहिए, कुछ नया लाते रहूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब पे ना चैनल पे वीडियोस बना के डालने से तो अच्छा है कि ये सीख लो, ज़्यादा अच्छा है। मैं टेम्पलेट्स बना के दूंगा, आप लोग उसे एप्लीकेशन की तरह कंप्लीट रेडी करके अपने क्लाइंट्स को उनके सामने सर्व करो, जिसको भी चाहे उसको आप सेल कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो पसंद तो ज़रूर कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक मत करना, कमेंट कर देना अच्छा क्यों नहीं लगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।